दिवाली जैसा फेस्टिवल जो पूरे इंडिया में मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसे इंडिया के लोग बहुत ही जोरों शोरों से मनाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के साथ ही अगर आपको इस फेस्टिवल में जेब भरने का मौका मिले तो? यस, आपने सही सुना। दिवाली में आप ऐसे काफी सारे बिजनेस कर सकते हो जिसमें आप एक ही हफ्ते में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कम पैसों में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वैसे आपको तो ये पता ही होगा कि दिवाली के समय पटाखे, स्वीट्स, गिफ्ट पैक, ड्राई फ्रूट पैक, दिवाली लाइटिंग, कैंडल, दिए, मूर्तियाँ और सजावटी सामान जैसे प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। और आप ऐसे ही कुछ बिजनेस को 1,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक में स्टार्ट कर सकते हैं। जो बिजनेस आइडियाज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, उन्हें अगर आप दिवाली आने के 10-15 दिन पहले से ही स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये सारे बिजनेस आइडियाज ऐसे हैं जिसमें आप आराम से 10-20% प्रॉफिट रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या बिजनेसेस हैं जिससे आप दिवाली में कर सकते हैं और अच्छी खासी धन राशि कमा सकते हैं। पटाखे की दुकान डालें। दिवाली में सबसे ज्यादा डिमांड पटाखे की ही होती है। पटाखा बेचने के लिए हमें लाइसेंस भी लेना पड़ता है और कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। जैसे आपको 100 किलो पटाखे बेचने के लिए एक अच्छी दुकान या जगह की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इससे अधिक पटाखे बेचने के लिए दुकान या पक्की जगह होना जरूरी है। पटाखे की दुकान डालने से पहले कुछ चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। जैसे कि आप सबसे पहले तो ये तय कर ले कि वहाँ ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। आपकी ये शॉप किसी और शॉप से कम 15 मीटर पर होनी चाहिए। आप फॉर्म के साथ अपने दुकान या जगह का साइट प्लान, मालिकाना हक का प्रूफ यानी जिसके जमीन पर शेड बनेगा उसका प्रूफ और उनका फोटोग्राफ देना होगा। ये सारी चीजें लाइसेंस लेने के लिए जरूरी है। दिवाली में लाइटिंग और सजावटी लाइट्स का बिजनेस करके पैसे कमाएं। ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है और इसकी मांग भी इस फेस्टिवल में बहुत ज्यादा होती है। लोग अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करवाते हैं और वो पूरी घर को लाइट से सजा डालते हैं। लाइटिंग के मामले में चाइना इंडिया को काफी पीछे छोड़ चुका है। चाइना की वजह से आज हम नई नई टेक्नोलॉजी की लाइट्स को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ये बिजनेस आप बहुत कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं और मुनाफा तो बहुत अच्छा खासा होता ही है। दिवाली में स्वीट्स, चॉकलेट्स, गिफ्ट पैक का बिजनेस करके पैसे कमाएं। इसकी भी मांग मार्केट में दिवाली से 5-6 दिन पहले ही होने लगती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपने स्टाफ को गिफ्ट्स, बोनस में पैसे और मिठाई के साथ ऑफिस से रवाना करते हैं। ऐसे मिठाई की मांग के कारण हम इसका बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपको हर एक कंपनी 20-30% मार्जिन दे ही देगी। हाँ, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट रहता है। आपको जिस कंपनी का रेट पसंद आए उस हिसाब से आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। डेकोरेटिव बॉक्सेस बेच के पैसे कमाएं। दिवाली में मिठाई की सेल बहुत होती है, ऐसे में बहुत सारे होटल्स में डब्बों की कमी हो जाती है, तो आप मिठाई के डब्बे को बना के भी सेल कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कागज को खरीद करके डब्बे बना दो और उसे आसानी से मार्केट में होटल्स या फिर मिठाई की दुकान वाले को सेल कर दो। ये बहुत ही कम रुपए से शुरू कर सकते हैं और इसे आसानी से अच्छे कीमतों में बेच भी सकते हैं। आप अच्छा मुनाफा के साथ दिवाली मना सकते हैं। इस वीडियो में आज हमने आपको कुछ आसान और मोस्ट डिमांडेड तरीके बताए हैं बिजनेस कम पैसे में चालू करने के लिए और ढेर सारा पैसा कमाने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ बेहतरीन बिजनेस आइडियाज हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।